हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट एसे को, और ये डिस्क्रिप्टिव कॉपीज होंगी जो मैं आप सभी से शेयर करूंगा, जो बेस्ट तरीके से जिन्होंने टॉपिक्स को लिखा है, जिन्होंने बेस्ट तरीके से लिखा है, लिखने की कोशिश की है, ताकि आपको पता चले कि टॉपिक्स को आपको कैसे लिखना है एग्जाम में, ठीक है, और अच्छे से आप उसको भी तैयार कर पाओ और उन चीजों को सीख पाओ जो अदर्स जो है अच्छे तरीके से कर रहे हैं, राइट। और आज का जो टॉपिक है वो है एसे का, जिसमें हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक ले रहे हैं वो है हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन बिकम अ थ्रेट फॉर द सोसाइटी, ठीक है। ये टॉपिक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इस पे कई सारे जो स्टूडेंट्स उन्होंने लिखा है, मैं यहाँ पर उन लोगों की कॉपी शेयर कर रहा हूँ जिन्होंने बेस्ट तरीके से लिखा है, ठीक है। बाकी आप जो है आप भी चाहते हो कि आपकी भी कॉपी मैं चेक करूं इस तरह से यूट्यूब पर ही, तो आप प्रैक्टिस बैच को जरूर ज्वाइन कर लेना। इस डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम लोग एसे, प्रीसिक्स और कॉम्प्रिहेंशन तीनों चीजें कवर कर रहे हैं, तो आपको प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, टीयर टू के रिगार्डिंग कोई टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि जस्ट आपको वन टाइम प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करना है और एग्जाम के कंप्लीट होने तक ये बैच जो है चलेगा, राइट। और यहाँ पर आपको सारी पेड क्लासेस मिल जाएंगी जितनी प्रीवियस क्लासेस अभी तक हुई है, और ऑलरेडी ये रनिंग है बैच, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। 60+ आवर्स का आपको यहाँ पर इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, 24/7 आपको डाउट सॉल्विंग सेशन मिल जाता है, आप कभी भी अपने डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हो व्हाट्सएप के द्वारा। साथ ही साथ डेली टॉपिक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाता है, जब आप इनरोल करोगे इस बैच को तो आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहां पर आपको डेली एक टॉपिक दिया जाएगा एसे, प्रीसिक्स या फिर कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड, ठीक है। उसको आप लिखते हो खुद से और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्टेंट भी देंगे दिया जाएगा, ताकि आप उसको रीड करके लिख सको अपने हिसाब से। सारे करेंट टॉपिक्स भी मैं आपको इस सीरीज में कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। जितने भी सिक्योरिटी से रिलेटेड, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंडिया की बाहरी और आंतरिक जो जितने भी सिक्योरिटी संबंधित टॉपिक है वो सब यहाँ पर कवर कराया जा रहा है, राइट। जो भी टॉपिक आ सकते हैं एग्जाम में, जितने एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं वो सब कवर कराए जा रहे हैं, तो इस वजह से आप इसको जरूर ज्वाइन करिए। और रेगुलरली आपकी कॉपी भी मैं खुद चेक करता हूँ क्लास के माध्यम से, सेपरेट क्लास होती है उसके लिए, कॉपी जो एनालाइज की जाती है उसकी कॉपी एनालिसिस के अलग से सेपरेट क्लास होती है अराउंड 1 आवर की, ठीक है। तो उसमें आप सभी की कॉपीज जो है चेक की होती है, तो वो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो, उसको कैसे आप इम्प्रूव करोगे। वही साथ गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप्स भी हैं, और सैटरडे संडे आप मुझे कॉल करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सभी आपको फीचर मिल जाते हैं, एग्जाम के रिगार्डिंग आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी अगर आप इस बैच को ज्वाइन कर लेते हो तो, राइट। तो इस बैच को आप जरूर इनरोल कर लेना, और आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आपको डिस्काउंट कोड यूज करना है SG10, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और अपने प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं अच्छी क्लास को, और आज की जो कॉपी हम लोगों ने ली है वो कृष्ण नायक की ली है, ठीक है। कृष्ण नायक जी लिखते हैं, जो टॉपिक है हमारा हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन बिकम ए थ्रेट फॉर सोसाइटी, ये टॉपिक है, ठीक है। अब इन्होंने लिखा कैसे आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, ताकि आप लोग भी लिख पाओ एग्जाम में इसी तरह से बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पर शुरुआत की इन्होंने एक कोटेशन से कि टेक्नोलॉजी इज अ यूजफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर, ठीक है, बाय क्रिश्चियन लुईस। क्रिश्चियन लुईस की जो है यहाँ पर ये स्टेटमेंट है, इन्होंने शुरुआत यहाँ पर एक कोटेशन से किया, दैट्स वेरी नाइस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डे टू डे लाइफ, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा है, और फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डे टू द एंड ऑफ इट We are heavily depend on it, ठीक है। मतलब सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक हम सभी जो है टेक्नोलॉजी पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, राइट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स ईज टू अवर लाइफ, बट इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी मे लीड टू द एडवर्स इफेक्ट ऑन अवर लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि अगर इनरेस्पॉन्सिबल तरीके से अगर हम इसको हैंडल करते हैं तो उसकी वजह से हमारी लाइफ में एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं, इसके बुरे परिणाम भी हमें देखने को मिल सकते हैं, राइट। फेक न्यूज एंड प्रोपेगेंडास आर द लेटेस्ट कंसर्न ऑफ गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पर अभी इन्होंने चैलेंजेस के बारे में बात करना शुरू किया, कैसे हमारी लाइफ को इफेक्ट करेगा। तो फेक न्यूज और जो फेक प्रोपेगेंडास है, ये पूरी गवर्नमेंट को, पूरी हर किसी को लाइफ कोई इफेक्ट करते हैं, है ना। विद इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस एंड द कॉस्ट ऑफ एफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन्स हैज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एन इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन ओपन प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, फेसबुक एक्सेट्रा,
ठीक है, यानी कि एक तरह से जो पहली चीज तो जो अवेलेबिलिटी है इंटरनेट और स्मार्टफोन जो है सभी के पास एक्सेस है, इसकी वजह से क्या है कि सभी के पास एक अपॉर्चुनिटी है जो कि अपने व्यूज को अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं अलग अलग ओपन प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, और भी यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे ट्विटर है, लिंक्डइन है, बहुत सारे और एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, राइट। बट लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी दीज प्लेटफॉर्म बिकम सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग फेक न्यूज विच समटाइम्स लीड टू द मॉब लिंचिंग, ठीक है, राइट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर इफेक्ट के बारे में उन्होंने बात की है कि लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी के कारण इन प्लेटफॉर्म पर ये फेक न्यूज जो है बहुत तेजी से स्प्रेड हो सकती है और जिसकी वजह से मॉब लिंचिंग, राइट्स, इस तरह की चीजें जो है सामने आ सकती है, राइट। तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे इसको, वाई को कैपिटल करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये एंड हो गया सेंटेंस। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस न्यूज लाइक अ पर्सन वॉज लिंच फॉर कैटल स्मगलिंग एक्सेट्रा बट लेटर द न्यूज वॉज फाउंड फेक, ठीक है। मतलब इस तरह से इन्होंने लिखा है कि आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति है उसकी उसको लिंच कर दिया गया कैटल स्मगलिंग के कारण, ऐसा समझ के लोगों ने, जबकि वो न्यूज ही फेक थी, राइट। तो दिस फेक न्यूज क्रिएट्स एन इन्वायरमेंट ऑफ हेट्रेड एंड इनसिक्योरिटी, ठीक है, यानी फेक न्यूज के कारण जो है हेट्रेड और इनसिक्योरिटी का इन्वायरमेंट क्रिएट होता है हमारे आसपास, राइट। तो ये काफी अच्छे से इन्होंने टॉपिक को लिखने की कोशिश की है, अलग अलग एस्पेक्ट को यहाँ पर इन्होंने जो है कवर किया है इस एस्से में। इसके बाद इन्होंने देखो आगे लिखते हैं, द लेटेस्ट वर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ फेक न्यूज क्रिएटेड इनसिक्योरिटी वॉज डेली राइट्स इन 2020। अब इन्होंने करेंट डेटा भी लिया, डेली राइट्स 2020 का एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे दिया, फेक न्यूज की वजह से ही था ये। वाइल व्हाइट कॉलर क्राइम्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मिस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी जो व्हाइट कॉलर क्राइम है वो भी एक तरह से मिस यूज टेक्नोलॉजी का मिस यूज ही है, ठीक है। यू माइट हैव हर्ड अबाउट जमतारा और माइट ऑल्सो वॉच वेब सीरीज, ठीक है। जमतारा जो है ये वेब सीरीज आपने देखी होगी, तो ये जो है इसके बारे में भी, ये भी पॉलिटिशियंस का स्कैम होता है, ठीक है, उसके ऊपर है ये, तो इन्होंने बताया है। व्हाइट क्राइम आर मेनली एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल फ्रॉड, ठीक है, फाइनेंशियल फ्रॉड से संबंधित ही होते हैं जितने बड़े क्राइम, स्कैम जो होते हैं वो व्हाइट कॉलर क्राइम्स कहलाते हैं, ठीक है, जो बड़े लोग बेसिकली करते हैं ना। हैकर्स ट्राइज टू गेट योर अकाउंट डिटेल्स बाय डिफरेंट सोर्सेज एंड यूज इट टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने अदर जो इसका थ्रेट है वो ही बताया, हैकर हैकिंग जो है एक और थ्रेट है इसका, वो भी यहाँ पर बता दिया, हैकिंग की वजह से भी जो है काफी सारे भयानक कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ सकते हैं, राइट। यू माइट हैव कम अक्रॉस द वर्ड ऑनलाइन प्राइवेसी इन फेबरी 2021, ठीक है, यानी ऑनलाइन प्राइवेसी जो है उसको लेकर के भी यहाँ पर इन्होंने बताया है टाइम्स एंड टेक्नोलॉजी में ही, कि मैनी एप्लीकेशन एंड वेबसाइट्स विच आर यूज्ड बाय अस टेक्स डेटा फ्रॉम योर फोन बाय द हेल्प ऑफ AI, ठीक है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनको यहाँ पर फुल फॉर्म लिखने की जरूरत थी। AI कभी भी कोई भी एब्रीविएशन डायरेक्टली इस तरह से नहीं लिखते, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। कोई भी एब्रीविएशन अगर आपको लिखना है तो पहले उसको फुल फॉर्म लिखेंगे, ब्रैकेट में उसको फर्स्ट टाइम अगर लिख रहे हैं तो इस तरह से लिखेंगे, बाकी सब्सिक्वेंटली आप जितनी बार चाहो उतनी बार ऐसे एब्रीविएशन यूज कर सकते हो, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम लिख रहे हो तो फुल फॉर्म जरूर लिखना, राइट, ये चीज ध्यान रखेंगे सभी लोग। This data is later used to manipulate the user. For example, if you search for any product that will separately shown to you in various advertisement. ठीक है, मतलब जो डेटा है वो स्टोर होता रहता है कुकीज के फॉर्म में हमारे सिस्टम में, उसके बेसिस पे जो है जो एड्स आते हैं, एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, वो आते रहते हैं, राइट। कंटेंट्स लाइक चाइल्ड पोर्नोग्राफी, सीन ऑफ क्राइम्स एंड रेप्स आर अफेक्टिंग अवर सोसाइटी एडवर्सली, ठीक है, मतलब जो डार्क साइड है हमारी सोसाइटी की, उसमें जो क्राइम्स होते हैं जैसे रेप्स हैं और चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, इस तरह के चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इस तरह की चीजें जो है हमारी सोसाइटी को एडवर्सली इफेक्ट करती हैं, राइट। पोर्नोग्राफी ऑल्सो लीड टू क्राइम्स, रेप्स एक्सेट्रा, मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूजेस पोर्नोग्राफी एज अ सोर्स ऑफ अर्निंग्स, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन मेनी स्टेप्स टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक साइबर लॉ 2020, डिजिटल मीडिया एथिकल कोड रेगुलेशन 2021 एक्सेट्रा आर सम लेटेस्ट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। आप देखो गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग क्या स्टेप्स है वो भी यहाँ पर बताया इन्होंने, अलग अलग लॉज हैं इस समय उस टेक्नोलॉजी के संबंधित, वो भी यहाँ पर इन्होंने बता दिया, दैट्स वेरी नाइस। मोर ओवर इट इज आवर ड्यूटी टू यूज टेक्नोलॉजी वेरी केयरफुली एंड शुड
क्रॉस चेक एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन बिफोर शेयरिंग इट ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने सजेशन भी दे दिया कि हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हम शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना चाहिए कि वो ट्रू है या नहीं है, राइट। गवर्नमेंट शुड ऑल्सो टेक सम स्टेप्स टू इंक्रीज डिजिटल लिटरेसी इन इंडिया, यानी गवर्नमेंट को डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए भी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने लिखने की कोशिश की है, सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को इसमें इस ऐसे में उन्होंने इंक्लूड किया है। स्टार्टिंग भी काफ़ी इंप्रेसिव की है और यहाँ पर कंक्लूजन भी काफ़ी अच्छा लिखा है। तो इसी तरह से आप लोगों को भी लिखना है, आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी है, और ये प्रैक्टिस करने से आएगा तब आप इतने अच्छे से लिख पाओगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसी वजह से आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए, और प्रैक्टिस करने के लिए इस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप इस प्रैक्टिस बैच को, IBACIU के डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस बैच को जरूर ज्वाइन कर सकते हो, राइट। इससे आपको काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट मिलेगा। आप 1 वीक के अंतर्गत ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ज़्यादा आपकी राइटिंग स्किल में चेंज आया है, राइट। तो इस वजह से आप इसको जरूर ज्वाइन करें। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको एसे और प्रेसिक्स राइटिंग दोनों के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर 100+ एसे के टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको, जिसमें सारे रीसेंट टॉपिक्स इंक्लूडेड है। तो 100+ टॉपिक्स को यहाँ से आप कवर कर सकते हो, और 60+ जो है प्रेसिक्स के सेट से यहाँ पर दिए गए हैं, जिनको आप एक बार तैयार कर लोगे तो फिर ऐसा भी आपके एग्जाम में टॉपिक आता है उसको कर पाओगे, राइट। और लेटेस्ट पैटर्न पर सारे टॉपिक्स हैं, विद इन वर्ड लिमिट आपको मिलेंगे सारे टॉपिक्स जो ऐसे यहाँ पे कराए गए हैं। वो अराउंड 400 वर्ड्स में सभी टॉपिक्स कराए गए, सभी ऐसे कराए गए, तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, काट छाट नहीं करनी पड़ेगी आपको। और लोएस्ट कॉस्ट में बुक्स मिल जाएगी आपको, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंट रेट्स में बुक्स को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स तैयार करते रहिए और इसकी प्लेलिस्ट को जाके देख लीजिएगा। साथ ही साथ इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और सारी PDFs और क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, राइट। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगा मैं, यहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में इसको नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।